थाना क्षेत्र जगदीशपुर जनपद अमेठी अंतर्गत एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र संचालक सर्वेश कुमार शुक्ला अपनी साथी बजाने वाले अनिल मिश्र सुपुत्र कामता प्रसाद मिश्र निवासी पूरे लबड़ी मजरे शेषपुर थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी अज्ञात व्यक्ति के साथ एसबीआई बैंक जगदीशपुर से कई रुपये लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में करीबन 5 बजे शाम को ग्राम महमदपुर व खोपुर के बीच में अनिल मिश्र अज्ञात व्यक्ति सर्वेश कुमार शुक्ला को चाकू से मार कर घायल अवस्था में कार से उतरकर रुपया लेकर भाग गए थे। पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा टीमों का गठन कर अभियुक्त देवराज सिंह व शुभम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है और एक नफर बाल उपचारी को पुलिस निगरानी में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। कब्जे से नगद लूट के रुपये में खरीदे गए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामान जिनकी कीमत कई रुपये हुई और दो कार जो घटना में प्रयुक्त की गई थी बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। सर, एक लूट कांड हुआ था उसका अनावरण किया जा रहा है, मुख्य अभियुक्त भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, क्या क्या बरामद हुआ है? देखिए, ये जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक जो फ्रेंचाइजी चलाते थे ग्राहक सेवा केंद्र, उनके साथ उनको गाड़ी में बिठा के उनके साथ ले गए, पैसा निकलवाया 3,80,000 रुपये और उसमें से उनको फिर चाकू मार के गाड़ी से फेंक करके वो बैग थैला लेके फरार हो गए थे। इसमें पिछली पीसी में बताया गया था कि उसमें जो सही अभियुक्त था उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ उसके पास से लूट की आधी रकम बरामद की गई थी। उसी के क्रम में आज जो मुख्य अभियुक्त है अनिल मिश्रा, जिसने उनको गाड़ी में बिठाया था, उनको चाकू मार के घायल किया था और पैसा लिया, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से जो शेष आधी रकम थी वो बरामद की गई है। आला कत्ल बरामद किया गया है। इनकी गाड़ी जिससे इन्होंने ये घटना की थी वो पिछली बार ही बरामद किया गया था। इन लोगों को निमाली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस पूरी घटना का जो अनावरण किया है उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है, इसके लिए उन्हें 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। घटना का मोटिव क्या था, क्या सिर्फ लूट था या इन लोगों के बीच कोई पुराना विवाद भी? देखिए, इन लोगों को ये पहले से पता था कि ये फ्रीक्वेंटली पैसा निकालने जाते हैं और उस दिन उनकी नीयत खराब हो गई, उसी नीयत खराबी की वजह से इन्होंने ये घटना सिर्फ धनार्जन के लिए की। थैंक यू।